अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अपना किचन। मेरा नाम है राहत और आज हम बनाएंगे निज़ामी चिकन। निज़ामी चिकन बनाने के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए। 500 ग्राम चिकन, एक बिग साइज़ कटकी हुई प्याज जिसे हम तल लेंगे फिर पीस लेंगे, एक तेज़पत्ता, 3 लौंग, एक बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 टीस्पून शाही ज़ीरा, 1 पिंच हल्दी, 2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्ची पाउडर, नमक, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 कटोरी टोमेटो प्यूरे, 1 कटोरी फेटा हुआ दही, 4 से 5 हरी मिर्ची, 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून रोस्टेड कसूरी मेथी, 2 टीस्पून खसखस, 2 टीस्पून कद्दूकस किया हुआ खोपरा। इन दोनों को हम रोस्ट कर लेंगे। 10 से 12 काजू, 1 टीस्पून तरबूज के बीज, 1 कप कोतमीर, 1/2 कप पुदीना, 3 हरी मिर्ची। एक जार में रोस्टेड खसखस डालेंगे और इसे पीस लेंगे। फिर इसी में रोस्टेड खोपरा डालेंगे, इसे भी पीस लेंगे। फिर काजू और तरबूज के बीज डालकर, थोड़ा पानी डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। फिर अदरक लहसुन के पेस्ट और हरी मिर्ची के टुकड़ों को अलग से पीस लेंगे। एक बोल में चिकन लेंगे, फिर इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पिसा हुआ पेस्ट डालेंगे, नमक डालेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। फिर इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने देंगे। जिस भगोने में हमने प्याज तली थी उसी में शाही ज़ीरा डालेंगे, फिर दालचीनी के टुकड़े डालेंगे, 3 छोटी इलायची खोलकर डालेंगे, 3 लौंग डालेंगे, 1 बड़ी इलायची खोलकर डालेंगे, 1 तेज़पत्ता डालेंगे, थोड़ी देर फ्राई करेंगे। जब ये फ्राई हो जाए फिर इसमें जो हमने रोस्टेड चीज़ों का पेस्ट बनाया था वो डालेंगे, अच्छे से भून लेंगे। फिर मसाले डालेंगे, नमक, हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर, काली मिर्ची पाउडर, गरम मसाला पाउडर, इन सबको डालकर अच्छे से मिला लेंगे। फिर इसमें कोतमीर, हरी मिर्ची, पुदीना डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें टोमेटो प्यूरे डालेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। फिर इसे ढक्कन लगाकर 2 मिनट पका लेंगे। दो मिनट हो चुके हैं, अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मैरिनेट किया हुआ चिकन डालेंगे। अच्छे से मिला लेंगे। अब चिकन का पानी रिलीज होने तक ढक्कन लगाकर 2 मिनट पकने देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, चिकन का पानी रिलीज हो गया है। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें तली हुई प्याज का पिसा हुआ पेस्ट डालेंगे। थोड़ा पानी डालेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ी देर बिना ढक्कन लगाए पका लेंगे। फिर ढक्कन लगाकर 2 मिनट पकने देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं,
अब इसमें फेटा हुआ दही डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर तेज पत्ता निकाल लेंगे। अब रोस्टेड कसूरी मेथी को क्रश करके डालेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। फिर इसे थोड़ी देर पकने देंगे। इसमें कोथमीर, हरी मिर्ची, पुदीना डालेंगे। हरी मिर्ची को तोड़कर डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे। इसे 2 से 3 मिनट पकने देंगे। फिर इसे डिश आउट कर लेंगे। लीजिए, तैयार है निज़ामी चिकन। ऐसे ही अच्छे अच्छे रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हमें अपने फीडबैक ज़रूर दें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें कमेंट और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा।